हाय गाइस, माय नेम इज़ एविस खान और आज हम बात करने वाले हैं प्ले स्टेशन प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो जब मैं PS4 लेने की सोच रहा था तो मुझे दिमाग में क्वेश्चन था कि PS Plus होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो इट्स बीन 7 months, आई हैव बिन यूजिंग प्ले स्टेशन 4 और मैंने अभी तक प्ले स्टेशन प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, बट फाइनली मैंने ले लिया है जुलाई के मंथ में, ताकि मुझे ये जो पीछे आप कॉल ऑफ ड्यूटी देख रहे हो मुझे फ्री में मिल जाए। एंड फाइनली आई जस्ट पेड 3000 bucks और मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी फ्री में मिल गई है, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट देखी जाए आफ्टर ऑल द डिस्काउंट इफ़ यू चेक ऑन Amazon एंड एवरीवेयर मिनिमम 1500 या 1200 की ये पड़ती ही है, चाहे आप कितना भी डिस्काउंट लगा लो या Amazon से ले लो। बट मैंने 3000 एक बार में पे कर दिए, बट मुझे ये फ्री में मिल गई। प्ले स्टेशन प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना इज नॉट अ वेस्ट, क्योंकि आपको गेम्स मिल जाएंगी। आई स्टिल रिमेंबर मैंने 1200 rupees में डेज गॉन ली थी, एंड देन लेटर ऑन आई केम टू नो दैट सोनी इज़ गिविंग फ्री ऑफ चार्ज डेज गॉन विदाउट एनी कॉस्ट। देन आई थॉट अब तो मैंने भाई 1200 rupees ऑलरेडी पे कर दिए हैं, लेकिन देन आई रियलाइज्ड लेटर ऑन जब आई केम टू नो के कॉल ऑफ ड्यूटी आ रही है वो भी फ्री में, देन आई थॉट लेट्स गो फॉर इट अगले 11 महीने में। क्योंकि मैंने जो ट्रेंड देखा है वो ये देखा है कि हर महीने एक बड़ी गेम ज़्यादातर आपको हर महीने मिल जाती है। तो अगर एक बड़ी गेम आपको हर महीने मिल रही है जिसकी मिनिमम से मिनिमम 700-800 हज़ार कॉस्ट होती है, तो ओवरऑल आप 3000 rupees एक बार में दे तो रहे हो, लेकिन आपको उसके वर्थ बल्कि ज़्यादा ही आपको रिटर्न में मिल जाएगा। क्योंकि मैंने 3000 rupees किए थे, 1500 rupees की अगर ये गेम है और मुझे मिल गई है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आई एम स्टिल लेफ्ट विद 1500। आई एम श्योर 11 महीने के अंदर अंदर मुझे ऐसी गेम्स ज़रूर मिल जाएंगी जो कि मुझे लेनी ही थी आगे जाके। अगर आपने प्ले स्टेशन सब्सक्रिप्शन ले रखा है और आप गेम लेने की सोच रहे हो, तो एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, वो ये है कि अगर आपको कोई ऐसी गेम खेलनी है जो प्ले स्टेशन सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी मिल चुकी है उनके सब्सक्राइबर को इन द पास्ट, तो वो गेम अगर आपको खेलनी है तो डोंट वेट, जस्ट बाय, क्योंकि वो गेम दोबारा नहीं आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टेशन की तरफ से। अगर बहुत साल बाद आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज रेयर चांस है तो आप उसको बाय कर सकते हो। बट अगर आप ऐसी गेम लेना चाह रहे हो जो कि थोड़ी पुरानी हो चुकी है और प्ले स्टेशन ने अभी तक फ्री में नहीं दी है, तो एनी टाइम वो आपको फ्री में मिल सकती है। तो कहीं ऐसा ना हो आप उस गेम को सेपरेटली परचेस करो और बाद में प्ले स्टेशन उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, देन इट्स गोना बी अ बिग शॉक फॉर यू गाइस। तो गाइस, मैं बहुत जल्द ही आपको अपने प्ले स्टेशन सब्सक्रिप्शन के ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के डिफरेंस के बारे में बताऊँगा, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन का मोड क्या होता है लेने से पहले प्ले स्टेशन मुझे नहीं पता था। मैंने काफ़ी सर्च भी किया था, मुझे एक्चुअल आंसर नहीं मिला था। ऑफलाइन में तो मुझे पता था कि स्टोरी मोड चलता है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती आफ्टर इनिशियल डाउनलोड, बट ऑनलाइन के अंदर क्या ऐसा होता है कि आपको ऑनलाइन गेम खेलनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन गेम्स कैसे खेली जाती है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।